हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस ने। तो स्टोरी को स्टार्टिंग नहीं, तो स्टोरी को स्टार्टिंग में भी ये होता है कि विंग ना भी रूम में बैठ के ना सोच रहा था कि भी वांग जिंग के साथ शादी कैसे ना करे, बल्कि ना वो ना सोच रहा था। एंड उसको ना याद आता है कि उसके क्लास के सभी ओमेगास ना उसके ऊपर फिदा है, तो उसका दोस्त भी है, बेस्ट फ्रेंड, तो उसको लेके जाके उसका सेटिंग कर देंगे, बल्कि ना वो ना सोचता है। एंड अभी विंग ने उसके दोस्त को कॉल करता है एंड उसका दोस्त बोलता है कि हेलो क्या हुआ, बल्कि ना वो बोलता है, तो विंग बोलता है कि अच्छा तुम मेरे ऊपर ना उतना गुस्सा मत हो, तुमने बोला था ना कि वांग जिंग के साथ सेटिंग कर दूँ, बल्कि बोला था ना, बल्कि ना वो बोलता है। तो उसका दोस्त ना खुश हो जाता है, बोलता है कि सच्ची तुम करोगे क्या, बल्कि ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि हाँ कल जाएंगे, बल्कि ना वो बोलता है। तो उसका दोस्त ठीक है बोल देता है। एंड नेक्स्ट डे ना भी विंग ना जा रहा था, तो उसका फादर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, बोल के ना वो पूछता है। तो विंग बोलता है कि मैं ना मेरे दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ, बोल के ना वो ना चल जाता है। एंड जाने के बाद हॉस्पिटल में, तो वहाँ ना वांग जिंग ना नहीं था, तो वहाँ का एक नर्स बोलती है कि तो आप दोनों यहाँ बैठो, डॉक्टर आएगा थोड़ी देर में, बोल के ना वो ना चल जाएंगी, चले जाती है। एंड यहाँ ना अभी विंग ना सोच रहा था कि अभी कुछ भी होने तो उन दोनों का सेटिंग कर देंगे, बल्कि ना वो ना सोच रहा था। एंड उसका दोस्त ना एक्साइटेड हो रहा था कि अभी वांग जिंग के साथ बात करेंगे, बल्कि ना वो ना एक्साइटेड हो रहा था, नर्वस भी हो रहा था। एंड वो ना पूछता कि तुमने सडनली कैसा मूड चेंज कर लिया, बल्कि ना वो पूछता है। तो विंग बोलता है कि किस बारे में, बल्कि ना वो बोलता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि पहले तो तुमने मना कर दिया, फिर उसके बाद क्यों तुम सेटिंग करा रहे हो, बल्कि ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे, इसलिए मैं सोचा तुम दोनों का सेटिंग कर दूँ, बल्कि ने बोलता है। तो उसका दोस्त खुश हो जाता है एंड उसके ना हक करता है, बोलता है कि थैंक यू, बल्कि ना वो ना बोलता है। एंड उसके बाद इसने भी विंग का फादर का कॉल आता है, तो वो ना पिकअप करता है एंड वो ना बाहर जाके बात करने लगता है। विंग ना पूरे चीज़ें ऑब्जर्व करने लगता है एंड उसको ना भी वांग जिंग के टेबल के ऊपर ना एक शिप दिखाई देता है, टॉय। तो उसको ना थोड़ा थोड़ा याद आता है कि ये बचपन में मेरे पास था, बल्कि ना उसको ना याद आता है। फिर उसके बाद इस ना उसका विंग का दोस्त आता है, बोलता है कि तुम ना बाहर चलो, बल्कि ना उसको ना पकड़ के ना लेके जाता है। एंड विंग को ना समझ में नहीं आता कि अभी तो ठीक था ना, अभी क्या हुआ, बल्कि ना वो पूछता है। तो उसका दोस्त ना बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है कि तुम अभी घर चलो, बल्कि ना उसका दोस्त ना लेके देता है। एंड पूछता है कि किसका घर, बल्कि ना वो पूछता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारा घर चलो, बल्कि ना वो ना लेके जाने लगता है। एंड ना पूछता है कि लेकिन क्यों, क्या हुआ, बल्कि ना वो पूछता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे फादर ने कॉल किया एंड मुझे बोला कि तुम्हें पकड़ के लेकर आओ, बल्कि उसला है तो इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ, बल्कि ना वो ना लेके जाने लगता है। तो विंग पूछता है कि ठीक है तुम लेके जा रहे हो, पर इतने गुस्से में क्यों, बल्कि ना वो बोलता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि क्योंकि तुम अभी वांग जिंग के साथ शादी कर रहे हो, मुझे ये मालूम पड़ेगा, बल्कि ना वो बोलता है। तो विंग ना समझाने लगता है कि नहीं मुझे वो पसंद नहीं है एंड मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, वो ये बल्कि ना वो ना बोलने लगता है। पर उसका दोस्त बोलता है कि नहीं मुझे ना तुमसे बात नहीं करने का है, वो ये बल्कि ना बोलने लगता है। एंड उसके बाद ना भी विंग ना घर को जाने के बाद इसने भी उसका दोस्त ना चल जाता है, बोलता है कि अंकल मैंने इसको लेके आ गया है एंड मैं जा रहा हूँ, बल्कि ना वो ना चल जाता है। एंड विंग का फादर पूछता है कि इसको क्या हुआ, बल्कि ना वो पूछता है। तो विंग बोलता है कि आपके वजह से, बल्कि ना वो बोलता है। तो विंग का फादर बोलता है कि मेरी वजह से, बल्कि ना वो बोलता है कि ना वो बोलता है। एंड बोलता है कि ठीक है वो सब छोड़ो, एंड मैं ये बोलना भूल गया था कि तुम ना भी हॉस्पिटल में जाके उसको उल्टा सीधा बातें सुना के वो इतना कि ऐसा मत करना, मैं पहले से बोल रहा हूँ। एंड तुम अगर शादी नहीं करोगे तो किसी के साथ शादी नहीं होगा एंड कुछ भी प्रॉपर्टी कुछ भी तुमको नहीं मिलेगा, बल्कि ना वो बोल देता है। तो ना भी बहुत ज़्यादा शॉक एंड उदास हो जाते हैं एंड मुझे चीखने लगता है कि क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो ये बल्कि ना वो ना बोलने लगता है। तो उसका फादर बोलता है कि हाँ तुम्हें ना अभी शादी करने के बाद इसने पूरे चीज़ें मिलेंगे ना, बल्कि ना बोलता है। तो बोलता है कि ठीक है मैं करूँगा, पर मेरे दोस्त का क्या, मेरे दोस्त को वो पसंद है, बल्कि ना वो बोलता है। तो विंग का फादर बोलता है कि उसको ना मैं ना उसको ना संभाल लूँगा, उसका एक एक बार बहुत ज़्यादा मूड
चेंज होता है, यानी उसको ना सभी लोगों को पसंद आ जाते हैं, मैं उसके साथ बात कर लूँगा बोलता है। तो वो भी ना गुस्से में ठीक है बोल के ना वो ना रूम में चल जाता है। एंड या ना भी वंकिंग ना विंग जाने के बाद इसने आता है एंड वो देखते हैं कि कोई भी पेशेंट तो नहीं है। नर्स ने बोला था कि कोई आया है बोल के बोला है, पर यहाँ कोई भी नहीं है बोल के ना वो ना भी बैठ जाता है जाके इस चेयर के ऊपर। एंड वो टॉय को देख के ना एक स्माइल करता है एंड उसको ना भी कल का बारे में याद आता है। एंड कल वो लोग अभी विंग के घर कर्न से जाने के बाद इसने भी वंग जिंग के पेरेंट्स ना भी वंग जिंग से बोल रहे थे कि अभी तुम दोनों भी शादी करना पड़ेगा, वो ये बोल के ना बोलने लगते। तो वंग जिंग बोलते कि पर नहीं मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा, वो ये बोल के ना बोलने लगते। तो विंग की मम्मी बोलती है कि क्यों नहीं करोगे, वो कितना अच्छा है, कितना क्यूट है, एंड बचपन से लेके अभी तक तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है एंड बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है, वो ये बोल के ना बोलने लगता है। तो वंग जिंग ना कुछ भी नहीं बोलता है। एंड या ना अभी वंग जिंग का फादर ना बोलने लगता है कि हमने बात कर लिया है तो तुम करना पड़ेगा, वो ये बोल के ना बोल देता है। एंड या ना भी वंग जिंग की मम्मी बोलती है कि तुम ना मेरा एक छोटा सा विश पूरा कर दो, तुम ना उसके साथ शादी करो एंड बच्चे करो, वो ये बोल के ना वो ना बोलने लगती है। एंड या ना वंग जिंग ना पूरा पिंक हो जाता है। तो वंग जिंग की मम्मी बोलती है कि तुम शर्मा रहे हो क्या बोल के ना वो बोलती है। तो वंग जिंग मुँह दूसरी तरफ कर लेता है, मतलब कि नहीं बोल के ना बोलता है। तो या ना वंग जिंग का फादर ना स्माइल करता है एंड वंग जिंग की मम्मी ना उसको ना चिढ़ाने लगती है। एंड वंग जिंग ने भी कुछ भी नहीं वो ये बोल के ना वो ना भी उसकी मम्मी का मुंह देख रहा है इसने था शर्म के मारे। एंड उसके बाद अभी विंग के पेरेंट्स वंग जिंग के पेरेंट्स दोनों भी मिलके शादी का बात कर देते हैं एंड शादी होने तरफ ना इन दोनों को बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी विंग के पेरेंट्स को मालूम है कि विंग बात करा तो कुछ ना कुछ कांड करेंगे बोल के ना उस उन लोगों के पेरेंट्स को मालूम था, इसलिए उसको ना बात नहीं करने देते थे। एंड वंग जिंग के पेरेंट्स भी दूर ही रख रहे थे, अभी विंग कुछ भी बोल दिया तो ये मना कर देंगे डायरेक्ट बोल के ना, कुछ भी हो सकता है बोल के ना, अभी दोनों भी ना दूर इच लगाते हैं एंड दोनों भी बात नहीं कर सकते थे। तो या ना विंग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी एक बार भी बात नहीं कर सकते क्या, उसका उससे मुझे बात करने का है एंड उसको पूछने का है कि उसने क्यों नहीं शादी किया, वो ये बोल के ना वो ना सोच रहा था एंड उससे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था। एंड या ना विंग ना उसको ना भी वेट करने में ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इतने ईयर्स वेट करा है और थोड़े वो 4-5 दिन वेट नहीं कर सकता बोल के ना कर सकता है बोल के वो ना भी रुक जाता है। एंड शादी के वक्त ना भी विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी एक बूढ़े आदमी से शादी कर रहा है बोल के ना वो ना सोच रहा था। एंड या ना भी विंग के फ्रेंड्स के सामने उसने ना बोला है कि तुम ज़्यादा बूढ़े हो गए, वो ये बोल के बोला है। एंड अभी शादी भी उससे उसके साथ ही कर रहा है तो उसको ना और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो ना कुछ भी नहीं कर सक रहा था। एंड उसको ना भी क्रश उसका क्रश के ऊपर भी ना अभी फीलिंग्स है, पर क्या कर सकता हूँ बोल के ना वो ना सोचता है। एंड सोचता है कि अभी वंग जिंग को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके वो इस डिवोर्स दे देना ऐसा करूँगा बोल के ना वो ना सोच लेता है एंड शादी कर लेता है। एंड या ना वंग जिंग ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि अभी विंग के साथ शादी हो गया। एंड उसको ना बचपन में अभी विंग ने बोला था ना कि उसके साथ शादी करूँगा, तब से इसने अभी वंग जिंग को ना थोड़ा बहुत फीलिंग्स था। एंड वंग जिंग जाने से पहले भी विंग ने उसको गिफ्ट दिया था ना एंड 21 भी दिया था ना, तो अभी उसको ना कभी वो टॉय को देखे तो एंड उसके लिप्स को देखे तो अभी विंग ही से याद आता था। एंड या ना भी 9 ईयर्स के लिए अभी वंग जिंग ना भी विंग के बारे में सोच सोच के वो ना भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। एंड लास्टली 9 ईयर्स के बाद शादी हो रहा है उन दोनों का, तो या ना वंग जिंग ना बहुत ज़्यादा खुश था एंड विंग ना भी ठीक है शादी कर लेंगे। एंड अभी वंग जिंग को ना बहुत ज़्यादा सताएंगे बोल के ना वो ना सोच लेता है। एंड उन दोनों के पेरेंट्स मिल के ना भी उन दोनों को एक फ्लैट देते हैं गिफ्ट में एंड बोलते कि अभी तुम ना आज से वहीं रहोगे बोल के ना वो लोग ना बोलते हैं। एंड रात होने के बाद इसने भी वो लोग ना भी फ्लैट में जाते हैं दोनों भी। एंड ये ना विंग को ना भी समझ में नहीं आता कि क्या होगा उसके साथ, वो ये बोले ना वो ना थोड़ा बहुत डर रहा था पर वो ना दिखाना नहीं चाहता था कि वो डर रहा है बल्कि।
एंड यू नो मंजी ना बहुत ज़्यादा खुश था। एंड उसको ना थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा था कि भाई विंग को याद नहीं है बोल के। तो विंग ना बोलने लगते कि मुझे ना कुछ भी याद नहीं है, मैंने कब बोला है कि आप अभी तुमसे शादी करूँगा वही बोल के ना वो ना बोलने लगते हैं। तो वंग जिन ना बोलते कि हाँ मैंने सोचा भी था तुम्हें याद नहीं है बोल के ना वो बोलता है। तो विंग बोलते कि हाँ मुझे याद नहीं है, मैं बचपन में बोला थे मैं अभी तक क्या याद रहेगा मुझे बोल के ना वो ना बोलने लगते हैं। तो वंग जिन ना हंसता है। तो विंग बोलता है कि मुझे ना अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि हमने बचपन में मिला है बोल के ना वो बोलता है। तो वंग जिन बोलता है कि हाँ हमने मिला है बचपन में एंड तुम ना मेरे पास ट्यूशन पे आके पढ़ते थे बोल के ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि ना मुझे ना तुम ना याद भी नहीं हो एंड मैंने ट्यूशन भी गया था वो भी तुम्हारे पास बोल के ना वो बोलता है। तो वंग जिन बोलता है कि हाँ बोलता है। तो विंग बोलता है कि मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्यूशन चेंज करे थे तो मुझे याद नहीं बोल के ना वो बोलता है। तो वंग जिन बोलता है कि अच्छा तुम्हें याद नहीं बोल के ना बोलता है। तो विंग बोलते कि हाँ वो ये बोल के ना वो ना अभी बातें करते करते वो ना सुनने की कोशिश कर रहा था। तो वंग जिन को ना समझ में आ जाता कि भी वो ना जानबूझ के ऐसे बातें करते करते वो ना सुनने की कोशिश कर रहा है बोल के। तो वंग जिन ना विंग को पकड़ता है बोलते कि तुम क्या करो इतनी जल्दी सो रहे बोल के ना बोलता है। तो विंग बोलता है कि हाँ मुझे नींद आ रहा है वो ना सोने की कोशिश करता है। तो वंग जिन बोलते कि पर हमारी शादी हो गई है एंड ये हमारा फर्स्ट नाइट है बोल के ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि अच्छा मुझे मालूम ही इसने था बोल के ना वो ना बोलता है एंड वो ना फिर से बेडशीट ओढ़ के सोने की कोशिश करता है। तो वंग जिन ना बेडशीट निकाल देता है एंड बोलते कि नहीं बोल के ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि मुझे सोने दो बोल के ना वो ना हल्ले से चिल्लाते हैं। तो वंग जिन बोलते कि नहीं मैं ना अभी सोने नहीं दूंगा बोल के ना बोलता है। तो विंग बोलते कि एक छोटे से बच्चे को सोने भी नहीं दे रहे बोल के ना बोलता है। तो वंग जिन ना बोलते कि क्या तुम अभी छोटे हो बोल के ना बोलता है। तो विंग बोलते कि हाँ मैं बहुत छोटा हूँ बोल के ना बोलता है। तो वंग जिन बोलते कि बचपन में ना तुम ना बोलते थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ एंड अभी बोल रहे तुम बहुत छोटे हो बोल के ना बोलता है। तो विंग बोलता है कि नहीं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा छोटा हूँ बोल के ना बोलता है। तो वंग जिन बोलते कि हाँ तुम मेरे से बहुत छोटे हो मुझे भी मालूम है बोलता है। तो विंग बोलता है कि तुम्हें मालूम है ना मैं बहुत छोटा हूँ तो मुझसे शादी क्यों करे बोल के ना वो पूछता है। तो वंग जिन बोलता है कि क्योंकि तुमने बचपन में बोला था कि मुझसे शादी करोगे तो इसलिए मेरे पेरेंट्स तुमसे शादी कराए बोल के ना बोलता है। तो विंग बोलता है कि अच्छा तुम्हें मुझसे शादी करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है बोल के ना वो बोलता है। तो वंग जिन बोलता है कि नहीं था पर अभी हो गया ना बोल के ना वो बोलता है। तो विंग ना थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उसने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया ना तो थोड़ा गुस्सा था। बोलते कि अच्छा तो तुम ना मुझे डिवोर्स दे दो बोलता है। तो वंग जिन बोलता है कि नहीं दूंगा बोल के बोलता है। तो विंग बोलता है कि लेकिन क्यों मुझे दे दो बोल के ना बोलता है। तो वंग जिन बोलता है कि नहीं हमारा शादी हो गया तो मैं क्यों दूँ बोल के ना बोलता है। एम बोलता है कि शादी से पहले बोल दिए तो ठीक था मैं शादी से नहीं करता था बोल के ना बोलता है। तो विंग बोलता है कि मैंने ट्राई किया है पर मुझको ना तुमसे बात करने कोई भी नहीं दिए बोल के ना बोलता है। तो वंग जिन बोलते कि अच्छा ठीक है पर अभी कुछ भी नहीं होगा बोल के ना बोलता है मीन्स डिवोर्स कुछ भी नहीं होगा बोल के ना बोलता है। तो विंग बोलते कि क्या मैं ये पूरा लाइफ पूरा एक बूढ़े आदमी के साथ रहूँगा क्या बोल के ना वो बोलता है। तो वंग जिन को ना थोड़ा गुस्सा आता है एंड विंग के ऊपर ना छेड़ जाता है एंड बोलता है कि क्या बोल रहे हो बोल के ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो एंड मैं सच्ची बोल रहा हूँ ना तुम एक बूढ़े आदमी हो ना बोल के ना वो बोलता है। तो वंग जिन को ना गुस्सा आता है एंड बोलता है कि क्या मैं बूढ़ा हूँ घूम क्या बोल के ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि हाँ तुम ना बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गया एंड मुझे मन में कि तुम ना किसी काम के नहीं हो बोल के बोलता है। तो वंग जिन बोलते कि क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ ना मैं ना बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ वो ये बोल के ना बोलने लगता है। तो विंग बोलते कि एक मिनट मैं ना पैसे के मामले में नहीं बोल रहा हूँ बोलता है। तो वंग जिन ना थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करता है बोलता है कि किस बारे में बात कर रहे हो बोलता है। तो विंग बोलते कि उस बारे में बोल के ना बोलता है। तो वंग जिन बोलता है कि क्या मेरा एनर्जी दिखाऊं क्या बोल के ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि तुम ना उतना मेहनत मत करो तुम ना सो जाओ मुझे मालूम है तुम ज़्यादा बूढ़े हो गए तो किसी काम के नहीं हो तुम ना सो जाओ बोलता है। एंड आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर बाय।